वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। अपना आज एपिसोड नंबर 6 है न्यू प्रोजेक्ट का। आज बात करूंगा मैं, देखिए फुटिंग कास्टिंग हो गया, तो कास्टिंग के बाद वो जो देखिए वाटा मारा हुआ है उसको बोलते हैं पॉन्डिंग। ओके, तो इसी तरीके की आज 6 एपिसोड में बहुत सारी बातें करूँगा। वीडियो में बने रहिए आखिरी तक। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बिज़नेस रिलेटेड जो मैंने एक चैनल बनाया है उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसको भी जाके सब्सक्राइब कीजिए। और आपके बिज़नेस का सॉल्यूशन आपको फ्री में मिल सकता है, और आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आपके बिज़नेस में, कोई भी बिज़नेस हो, तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अबाउट सेक्शन में मेरा नंबर है, और दूसरे चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मेरा नंबर है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वीडियोज़ को गाइस। अभी तक मैंने एपिसोड 5 तक जो बताया वो परफेक्ट बताया, एक न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करना। अभी यहाँ पे रेनी सीज़न को लेके क्या प्रिपरेशन है, अभी रेनी सीज़न आने वाला है गाइस। तो अभी हम लोग का फुटिंग चल रहा है, आपका ऊपर चलेगा स्लैब चलेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपका अगर फुटिंग है और रेनी सीज़न अपकमिंग है तो आपको बैकफिलिंग, लैंडस्लाइड, ये सब बहुत जल्दी करना है। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो बैकफिलिंग स्टार्ट हो गया, क्योंकि रेनी सीज़न एकदम 10 से 15 दिन में रेनी सीज़न आ जाएगा। ओके, अभी देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम ऐसा है, प्लानिंग कैसे करना है आपको। जैसे यहाँ पे देखिए लूज सॉइल है, सामने भी लूज सॉइल है। ओके, सबसे पहला पॉइंट आपको जो प्लानिंग करना है वो लूज सॉइल के हिसाब से करना है। कि यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा सा हार्ड है, ये स्लाइड नहीं होगा, बट वहाँ पे एक बैकफिलिंग किया हुआ है पहले से, तो स्लाइड हो सकता है। ओके, सो वहाँ की जो फुटिंग है आपको वो लाइन की वो पहले लेना है, उसके बाद ये लाइन की जो फुटिंग है वो लेना है। तो आपके साइट पे, आपके कंस्ट्रक्शन साइट पे जो कंडीशन रहेगा, जो सिचुएशन रहेगा सॉइल्स का, वो हिसाब से आपको लेना है। ताकि अगर थोड़ा सा लेट भी होता है आपको कास्टिंग करने में या एग्जीक्यूशन करने में, तो आपका लैंडस्लाइड ना हो। ओके, ये ध्यान रखिएगा कि लैंडस्लाइड ना हो। अगर लैंडस्लाइड होता है तो आपका पूरा काम होल्ड हो जाएगा, चाहे वो रिइंफोर्समेंट हो, शटरिंग हो, कास्टिंग हो। तो उसके हिसाब से आपको ध्यान देना है कि आपका जहाँ लूज सॉइल है उसको ख़त्म करके, ताकि वो फुटिंग कास्ट हो गया उसके बाद मिट्टी गिरेगा तो कोई इशू नहीं है, कॉलम उठा लेंगे वहाँ से फटाक से। ओके, सबसे पहला पॉइंट लैंडस्लाइड का बहुत ध्यान देना है कि कौन सी चीज़, कौन सी फुटिंग, कौन सा, कहाँ से स्टार्ट पॉइंट लेना है आपको कास्टिंग के लिए। ओके, ये हो गया दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट तो आपका क्यूरिंग, फुटिंग कास्ट हो गया, फुटिंग कास्ट के बाद पॉन्डिंग करके क्यूरिंग कर। दूसरा, लैंडस्लाइड के ऊपर ध्यान देना है। तीसरा, अभी कॉलम वर्टिकल के ऊपर मैंने बात किया था, तो कॉलम वर्टिकल का अभी डिटेल में बात करता हूँ कि जो यहाँ से हमने अगर 3-4 मीटर काटा हुआ है, फुटिंग नीचे 300 का एल है, उसके ऊपर वर्टिकल 3-4 मीटर काटा हुआ है, बराबर। अभी यहाँ से ग्राउंड फ्लोर के ऊपर आपका लैब जाना चाहिए। H/4 दिया हुआ है, H/3 हुआ है, कन्फाइनिंग जोन जो होता है, वो चीज़ों को ध्यान में रख के जनरल डिटेल कंसल्टेंट ने क्या दिया हुआ है, या फिर एक प्रॉपर वर्टिकलिटी का डिटेल दिया हुआ है, उसको फॉलो करना है। और लैब 50D 40D 40D अबव ही लैब रहना चाहिए आपका। 50D में यहाँ पे दिया हुआ है, तो 50D पकड़ के अगर 20mm का डाया, तो 1 मीटर का लैब पकड़ के आपको ऊपर ग्राउंड फ्लोर के ऊपर जो भी लेवल जाता है वो हिसाब से कटिंग होना। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो आप बहुत बड़ा लंबा लंबा सलिया कटिंग हुआ है, क्योंकि लैब जो जाना चाहिए वो ग्राउंड फ्लोर के ऊपर जाना चाहिए। ओके, तो ये बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है, जो लैब है वो लैब जोन में ही आना चाहिए आपका, ताकि कॉलम ना बकल हो और ना ही कोई भी प्रॉब्लम आए कॉलम को, बहुत ध्यान देना है। ओके, उसके बाद कॉलम का शटरिंग आपके पास रहना चाहिए। चौथा पॉइंट, कॉलम का शटरिंग आपके पास रहना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो सब उसका सपोर्टिंग ब्लू कलर का, देखिए सी चैनल है, शिकंजा है, प्लाई है, पट्टी है, तो ये सारी चीज़ें आपके पास सेट होना चाहिए। 4 से 5 सेट जो रहता है वो सेट आपके पास होना चाहिए। तो और ये फुटिंग कास्ट से पहले, कास्ट होने के बाद आपके पास मेकिंग स्टार्ट हो जाना चाहिए आपके कॉलम का। फुटिंग कास्ट हो गया, फुटिंग कास्ट होने के बाद आपका कॉलम रिइंफोर्समेंट होगा। रिइंफोर्समेंट इतना ध्यान से करना है कि कहीं कुछ चेंजेस तो नहीं आ रहा, कहीं कुछ होल्ड तो नहीं है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देना है कि चेंजेस अगर है तो उसका कटिंग ना करिए। कटिंग एक बार हो गया तो वो वेस्टेज हो जाएगा। ओके, कटिंग बहुत ध्यान से करना है। कौन सा, जैसे ये दो फुटिंग आप लास्ट वीडियो में भी देखा है आपने कि ये अभी तक कास्ट नहीं हुआ है क्योंकि ये होल्ड है। तो जब भी आपको शटरिंग करना है, रिइंफोर्समेंट करना है, थोड़ा सा परमिशन ले लीजिए, पूछ लीजिए, समझ लीजिए। एक 5 मिनट लगता है, 10 मिनट लगता है आपको कंफर्म करने के लिए। वो करने के बाद ही आप रिइंफोर्समेंट और शटरिंग स्टार्ट कीजिए, ताकि आपका कोई भी आइडल ना रहे, कोई भी शटरिंग मटेरियल, कोई भी रिइंफोर्समेंट होने के बाद काम आपका आइडल ना रहे। ओके, तो ये चीज़ों को बहुत ध्यान से आपको लेके चलना है। अगली वीडियो में एपिसोड 7 में मैं आपको लैब सेटअप के बारे में बताऊंगा और मटेरियल मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़ गाइस। इसी तरीके की कंस्ट्रक्शन रिलेटेड प्रैक्टिकल वीडियोस के लिए आपको ध्यान देना है। लास्ट पॉइंट, सबसे बड़ा पॉइंट रेनी सीजन का, वो है आपका डीवॉटरिंग पंप।
ओके, जैसे यहाँ पे पानी भरा हुआ है, वहाँ पे पानी भरा हुआ है, देखिए यहाँ पे पानी भरा, तो जो आपका बारिश रहेगा, बारिश में बहुत ध्यान देना है आपके पास डिवॉटरिंग पम्प 10 HP, एटलीस्ट 10 HP का 4 इंच का आउटलेट रहता है उसका, तो वो 4 इंच का कैनवस पाइप आपका रहना चाहिए, आपके पास उसका कपलिंग रहना चाहिए, क्लिप रहना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें पूरा रेनी सीजन के अकॉर्डिंग आपको ध्यान से तैयारी करके रखना रेनी सीजन की। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़ गाइस, इसी तरीके की प्रैक्टिकल वीडियोज़ के चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए बिजनेस रिलेटेड वीडियोज़ के।